जनपद संभल के अंतर्गत थाना बनियठेर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5 अंतरजनपदीय 7 लुटेरों को लूट की 7 ई रिक्शा एवं अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चंदौसी मुरादाबाद रोड पर नर्सरी के सामने विगत वर्ष 5 दिसंबर को कुछ बदमाशों द्वारा ई रिक्शा चालक को पीट पीट कर उसका ई रिक्शा मोबाइल व 500 रुपये लूट लिए थे, जिसका मुकदमा थाना बनियठेर में पंजीकृत कराया गया था। शनिवार की शाम चंदौसी के कंत्री रोड पर चमरपुरा जारे चौराहे के पास थानाध्यक्ष बनियठेर संजय कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 5-7 लुटेरों को अवैध हथियारों तथा लूटे गए ई रिक्शे व मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 6 अन्य ई रिक्शों को भी अभियुक्तों के घरों से बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में लुटेरों ने बताया कि वे ई रिक्शे को किराए पर ले जाते थे और सही जगह व मौका देखकर रिक्शा चालक को बंधक बनाकर उसकी ई रिक्शा लूट लेते थे। उन्होंने ई रिक्शा की पहचान छिपाने के लिए रंग व पार्ट्स बदलकर विभिन्न स्थानों पर बेचने की बात भी कही है। लुटेरों की गिरफ्तारी को लेकर जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया, जनपद संभल में और आसपास के जनपदों में लगातार ई रिक्शा चोरी होने की सूचना मिल रही थी, जिसमें हमारी बनियाठेर की पुलिस और हमारी सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। इसमें कल जब सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी का ई रिक्शा बेचने जा रहे हैं, तो उसमें उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। इसमें चंदौसी रोड पे कंथरी चमरपुरा जरई के पास में पकड़ा गया है। उसके बाद जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके पास एक जो ई रिक्शा था, जो हमारे यहाँ 5-6 दिसंबर को एक लूट हुई थी व्यक्ति के साथ, वो भी बरामद हुआ इनकी निशानदेही पे, और इनके पास पिस्टल वगैरह भी बरामद हुए। इसके बाद इनकी निशानदेही पे 6 जो इन्होंने अपने घरों में जगह जगह रख रखे थे, वहां से भी ई रिक्शा बरामद हुए। तो कुल 7 ई रिक्शा बरामद हुए इनकी निशानदेही पे, और ये 5 व्यक्तियों का गैंग अभी ट्रेस हुआ है। ये सब ई रिक्शा चोरी करते थे, लूटते थे, और ये जगह जगह ले जाकर के अमरोहा, बदायूं और जनपद संभल में चोरी करते थे, और कहीं जनपद में भी बेचते थे। कभी ये नोएडा और दिल्ली ले जाके भी बेच देते थे, और इस तरीके से ये अंतर जनपदीय गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहे थे। इनमें 5 सदस्य पकड़े गए हैं, और इसका मुख्य जो अपराधी है हासिम, ये गैंग सरगना के रूप में ऑपरेट कर रहा था, ये भी पकड़ा गया है, और अब ये पूरा गैंग जेल भेजा जा रहा है। वहीं लुटेरों को पकड़े जाने पर ई रिक्शा चालकों ने राहत की सांस ली है और पुलिस के कार्य की सराहना की है। पंचायत वार्ता के लिए संभल से विनोद राघव की रिपोर्ट।